राहुल गांधी जी आसाम से पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। जब से वो पैदा हुई है वो तो बीजेपी के साथ ही है, कांग्रेस के पार्टी में ही पैदा हुए हेमंत विश्वास शर्मा। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा समय करिए, इंतजार करिए, इनको बिठा के ले जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बीजेपी ने वहाँ पे दंगे कराए। हम लोग चाहते हैं जो राहुल जी, प्रियंका जी, हम लोग जो उच्च नेतृत्व सब आए इधर, हमारा प्रोडक्ट था लेकिन वो खोटा निकला, इसीलिए जो हमारे सभी खोटे प्रोडक्ट को बीजेपी ले लेती है और उसकी एक वॉशिंग मशीन है उसमें डालती है, उसको क्लीनर बना देती है कि नहीं है भाई अब सही हो गया। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा औपचारिक तौर पर पश्चिम बंगाल आ चुकी है, कोच बिहार में आ चुकी है और कोच बिहार में राहुल गांधी का भव्य तरीके से स्वागत हुआ है और लगातार देख सकते हैं कि फ्लैग जो है हैंडओवर सेरेमनी भी हुआ है और लगातार भारत जोड़ो या न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में आ चुका है। लोगों से बात करेंगे, देखिए बहुत ज्यादा का काफला है, बहुत ज्यादा भीड़ है और राहुल गांधी जो है अभी यहाँ पे काफला लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। कोशिश करेंगे कि आपको दिखाए क्योंकि जिस तरह का क्राउड जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में है, थोड़ा सा सिक्योरिटी भी टाइट की गई है क्योंकि आने जाने में दिक्कत परेशानी हो रही है। राहुल गांधी का काफला आगे की तरफ चल रहा है और राहुल गांधी अपना पूरा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जो है यात्रा आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी का यात्रा आगे चल रहा है, यहाँ पर जो है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई, हैंडओवर सेरेमनी, मगर अभी तक राहुल गांधी ने इसको पूरा मतलब जिस तरह से यहाँ पर कहा गया था कि गठबंधन नहीं करेंगे वो तमाम चीजें हट गई, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे की तरफ चल रही है। यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो तमाम लोग है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि इस पूरे जो न्याय यात्रा इसको कैसे वो देखते हैं, क्या समर्थन है, किस तरह से लोग देख रहे हैं, वो तमाम चीज़ों पर हम जो है लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। कैसा लगा यात्रा राहुल जी का, पश्चिम बंगाल पहुँचा, आप लोग पश्चिम बंगाल के लोग हैं, कैसे लग रहा है? आप लोग देख ही सकते हैं क्या हाल है बंगाल आते ही, क्या उम्र पड़ा है लोगों का देख ही रहे हैं, क्या यहाँ की स्थिति बनी हुई है बंगाल में वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद है पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ होना है? होना है मतलब होना ही होना है भाई साहब, इसलिए तो डर रही है। अच्छा, वो जो एलआई है बीजेपी के टीएमसी वाला, वो तो ऐसे ही तो डर रहे हैं इसलिए। अच्छा। कि किसी तरह से जैसे कि इंडिया से, जैसे कि आपसे जो भी उनका मतलब व्यवहार सामने निकल के आ रही है, जब से मार्च महीने से बात निकल कर रही है, वो तो डर पता चल रहा है। अकेले लड़ने से फायदा है या सबके साथ लड़ने से फायदा है? सबके साथ कहाँ है भाई साहब, वो औरत है ही कहाँ सबके साथ, वो तो है ही बीजेपी। आप तो 20 साल से आप इतिहास उठा कर देख लीजिए बीजेपी की है ममता बनर्जी। हाँ यार, जब से वो पैदा हुई है वो तो बीजेपी के साथ ही है। अच्छा। कब नहीं है, कितने बार देख लो, कितने बार नहीं है वो लोग, वो तो पैदा ही चीज पैदा होने की बात है वो साथ में। खुशी है राहुल गांधी आज जो है पश्चिम बंगाल आ गए, आप वो तो देख सकते हैं, आप लोग तो कार्यकर्ता। हाँ, आप तो देख ही सकते हैं यहाँ पे। ये तो फिर भी चलो नॉर्थ बंगाल की वो जगह है जहाँ पे कांग्रेस कमजोर हुआ करता था कभी, वो तो आप वो स्थिति आप देख ही रहे हो। ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी आके जा चुके हैं आसाम में, बहुत दिक्कत परेशानी हुई, यहाँ पे क्या उम्मीद है? देखिए आसाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, कांग्रेस के पार्टी में ही पैदा हुए हेमंत विश्वास शर्मा जी हैं। राहुल गांधी जी अगर हाथ नहीं धरते तो नेता नहीं बन पाते, तो उनको ये एहसान भूलना नहीं चाहिए। हेमंत विश्वास जी की बात कर रहा हूँ, उनको ये एहसान नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे जोर तोड़ से प्रवेश कर चुकी है। आप आज और आने वाला समय आपको बताएगा कितने मजबूती से पश्चिम बंगाल में हम विजय हासिल करेंगे और आने वाले लोकसभा ये हमें फायदेमंद होगा। अच्छा, ये बताइए कि आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अरेस्टिंग हो जाएगी राहुल गांधी की, मतलब के लोकसभा के चुनाव के बाद अरेस्टिंग हो जाएगी। कानून सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए, कानून हेमंत विश्वास शर्मा जी के लिए भी है। थोड़ा समय करिए, इंतजार करिए, इनको बिठा के ले जाएंगे। इनको बिठा के ले जाइएगा, हेमंत विश्वास शर्मा जी, हेमंत विश्वास शर्मा जी के जो पुराने केस हैंगे, पुराने भ्रष्टाचार केस हैं, वो सब ओपन होंगे। सब होंगे। क्या लग रहा है, कैसा उम्मीद है, कितना एक्सपेक्टेशन, कैसा लग रहा है बंगाल पधारने पर? देखिए, आप देख चुके हैं
हमारा मणिपुर से स्टार्ट हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नागालैंड में भी, मणिपुर में भी अपार समर्थन मिला, जहाँ पे इतने बीजेपी ने वहाँ पे दंगे कराए, इसके बाद भी लोग निस्वार्थ रूप से अपने घरों से निकल के आए, घाटियों अब पहाड़ों में से लोग निकल के आए। नागालैंड में वही समर्थन मिला, आपको मेघालय में भी मिला, आप अरुणाचल में भी देखे क्या कितने संख्या में लोग आए थे कांग्रेस पार्टी के, और हमारा युवा कांग्रेस का उतना बेहतरीन समर्थन मिला, और साथ ही साथ आम लोग का भी समर्थन मिला। और जिस तरह से आसाम में हमारा ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चली, और उससे बौखला गया हेमंत विश्व शर्मा, उसने हाँ हेमंत वो कर्मा भी नहीं है, वो शर्मा भी नहीं है, वो तो फ्रॉड है सीधा, क्योंकि उस पे लगे हैं भ्रष्टाचार के केसेस। आप ही लोग का तो प्रोडक्ट है भाई, वो हमारा प्रोडक्ट था लेकिन वो खोटा निकला, इसीलिए जो हमारे सभी खोटे प्रोडक्ट को बीजेपी ले लेती है और उसकी एक वॉशिंग मशीन है उसमें डालती है और उसको क्लीनर बना देती है कि नहीं है भाई अब सही हो गया। उसमें बंगाल में क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लेके आ रहे और क्या लग रहा है बंगाल में क्या होगा? बंगाल में जिस तरह से हमारा मणिपुर से ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और अगले स्टेट्स में आती है उससे और ज्यादा समर्थन मिलता है, जब उसके और मणिपुर में से नागालैंड में आती है और समर्थन मिलता है, और अरुणाचल में और जाता है, असम में और खुश है ना, खुश बहुत खुश है। और ये देखिए ये परिणाम भी आएंगे, और देखिए 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, लोग समझ गए हैं कि ये बस उसके खाली प्रोपेगेंडा है और वो एक प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है और धर्म को राजनीति से जोड़ रही है, जबकि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि धर्म व्यक्तिगत विषय है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल के लोग हैं यहाँ पे, देखिए काफी देर पहले पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की एंट्री हुई। और राहुल गांधी दादा आप लोग कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बंगाल तो है ही है, मतलब बंगाल कलकत्ता से आए हैं। तो ये बताइए कि आज राहुल जी आए हैं, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने खुश, कितना जोश है? बहुत खुश, शायद ये 14 साल बाद राहुल जी आए हैं यहाँ पे। अच्छा। हम लोग तो बहुत खुश है, थोड़ा और खुशी मिलती अगर थोड़ा देर और पैदल चल लेते थे। अच्छा। पर ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वो हो नहीं पाया। हाँ। मालदा मुर्शिदाबाद में चलेंगे 5 किलोमीटर तब। अच्छा, एक बात बताइए कि आज जब पश्चिम बंगाल एंट्री हुई तो आसाम में तो बहुत हमला हुआ राहुल गांधी पर, बहुत बार जो है सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए, लाठिया बरसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर, क्या बंगाल में भी वैसा ही लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए अभी तक तो ऐसा चीज है कि अभी होगा नहीं ऐसा। हाँ। क्योंकि इंडिया अलायंस में ममता जी भी है तो मुझे उनके रिक्वेस्ट से तो बोल दिए कि नहीं लड़ रहे, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, अभी इस बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा, अकेले लड़ने से अच्छा रहेगा या सबके साथ लड़ने से? जो उच्च नेतृत्व डिसाइड करेंगे हम लोग वही करेंगे। पश्चिम बंगाल क्या भविष्य है कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी युवा चेहरा और पश्चिम बंगाल के लोग भी बेरोजगारी से 26 में हम लोग दिख जाएंगे आपको, मतलब लोकसभा विधानसभा में। आज लोकसभा में क्या, लोकसभा में तो अभी जो अलायंसेस है वो क्या है, वो हम लोग का सीनियर लीडरशिप ही तैयार करेंगे, उस बारे में हम लोग कमेंट अभी इस बारे में नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए सर? हम लोग तो खड़गपुर से आए हैं। खड़गपुर से आए, इधर से 850 किलोमीटर दूर, 850 जानते हैं। तो ये बताइए कि आज कैसा लग रहा है राहुल जी आए? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग इधर बहुत साल से हम लोग खमता में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, फिर भी हम लोग चाहते हैं जो राहुल जी, प्रियंका जी, हम लोग जो उच्च नेतृत्व सब आए इधर, आने से क्या हम लोग का इधर एनकरेज मिलेगा, तब और भी अच्छा मिलेगा। सब ऐसे नए का जो यात्रा हुआ ऐसे बीच बीच में होना चाहिए, तब सब लोग एक साथ जुटेगा।